एवरीवन, आई एम चॉकलेटर सरिता बजाज, फाउंडर ऑफ डिजायर डिलाइट चोको। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायर डिलाइट चोको में। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, जैसा कि हमने प्लान किया था कि वैलेंटाइन स्पेशल हम फ्री क्लास आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, जो कि हमारे फेसबुक पर होने वाली थी, वो भी 7 दिन लाइव 1 to 7 फेब, बट किसी रीजन से वो कैंसिल हो गई थी। लेकिन हम उसकी वीडियोस अपलोड करेंगे डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर डिजायर डिलाइट चोको पर। रोज शाम 8 बजे हम वैलेंटाइन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि जो हमारा कोर्स हम फेसबुक पर कराने वाले थे वो आप वीडियोस के थ्रू यहाँ से सीख सको। और ये कोर्स बिल्कुल सिंपल नहीं है, इसमें हम बेसिक टू एडवांस सब चीजें कवर अप करने वाले हैं। कैसे आपको डिजाइनर चॉकलेट्स बनानी है, कैसे कलरफुल बनानी है, जो बॉक्सेस आते हैं पैकेजिंग कैसे करनी है, ठीक है, कपल चॉकलेट्स कैसे बनानी है, सब चीजें हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो फुल ऑफ कोर्स होने वाला है, ये पूरा कोर्स हम कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, यानी कि ऑन कर लेना, ताकि आपको उसी से सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे डेली, उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है, और जो अपकमिंग होगी उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और इसके साथ ही हमने एक शेयरिंग कंपटीशन रखा है, जो भी इन वीडियोस को डेली सबसे ज्यादा शेयर करेगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर विद टैग, यानी कि हमें टैग करके, डिजायर डिलाइट चोको को टैग करके जो भी सबसे ज्यादा पोस्ट करेगा, सबसे ज्यादा शेयर करेगा, हम डेली 3 विनर्स अनाउंस करेंगे, वो भी लकी विनर्स होंगे, और उनको हमारा कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स मेकिंग, जो स्पेशल हमारा अभी अपकमिंग कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डेली के हम 3 विनर्स अनाउंस करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट मेकिंग कोर्स DDC से करना चाहते हो तो आप सबसे ज्यादा इसको शेयर करिएगा। टॉप 3 विनर्स हम अनाउंस करेंगे डेली, ठीक है। तो तैयार रहिए इस कंपटीशन के लिए और वैलेंटाइन स्पेशल के लिए, अपने वैलेंटाइन्स को और भी स्पेशल बनाइए DDC के साथ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट्स बनानी है। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के मोल्ड लिए हैं जो आज हम यूज करने वाले हैं। एक है कपल चॉकलेट, जो सबसे हाईएस्ट सेल होता है वैलेंटाइन्स पे, सबसे ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, ओके। एंड सेकंड है ये हार्ट शेप्स की लॉलीपॉप टाइप, ओके। आप कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हो सेम टेक्निक्स से, जिस जो भी मोल्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ स्प्रिंकल्स हम यूज़ करेंगे, आप कोई भी स्प्रिंकल ले सकते हो या विदाउट स्प्रिंकल्स भी बना सकते हो। तो सबसे फर्स्ट क्लास है हमारी ये बेसिक क्लास, ठीक है। इसमें मैं बेसिक चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मोल्ड को क्लीन करने के लिए हमें चाहिए बेबी वाइप्स या फिर अल्कोहल वाइप्स, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास, मैंने ली हुई है बेबी वाइप्स, ठीक है, अल्कोहल वाइप्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको मोल्ड को क्लीन करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक आप मोल्ड को क्लीन नहीं करोगे आपके चॉकलेट में प्रॉपर शाइनिंग नहीं आएगी। मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हमारी चॉकलेट अच्छे से नहीं हो रही है, शाइनिंग नहीं आई है, पैचेस आ गए हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है कि आपका मोल्ड क्लीन नहीं है। जब तक मोल्ड ही क्लीन नहीं होगा तब तक आपके चॉकलेट्स में शाइनिंग नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वाइप से ही क्लीन करो, आप कोई भी कॉटन क्लोथ ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट एटलीस्ट मोल्ड को आपको क्लीन करना चाहिए फर्स्ट, ठीक है, ताकि कोई डस्ट वगैरह भी ना हो। कस्टमर अगर डस्ट होगा तो कस्टमर भी अच्छी आपके चॉकलेट मतलब उनको पसंद नहीं आएगी और वो दोबारा आपसे परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला टिप मैंने आपको बताया, सिंपल चॉकलेट आज हम बनाने वाले हैं। डार्क चॉकलेट का मैं यूज़ करने वाली हूँ, आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, मिल्क वाइट, कोई भी फ्लेवर की आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आज इस क्लास में हम डार्क चॉकलेट यूज़ करने वाले हैं, आगे आने वाली क्लास में हम बहुत सारी चॉकलेट्स यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको चॉकलेट का टेम्परेचर चेक करना होता है, अपने एक फिंगर डिप करो चॉकलेट में और उसको लोअर लिप पर लगा कर देखो, अगर ये वार्म टेम्परेचर की है तो डेट इज ओके, अगर ये हॉट है या फिर कोल्ड है तो आपको इसको, हॉट है तो कोल्ड करने की ज़रूरत है, और अगर ज़्यादा कूल इसका टेम्परेचर है तो आपको थोड़ा सा रीहीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कपल चॉकलेट्स बना रहे हैं, ये हम सिंपल बनाने वाले हैं, बिल्कुल प्लेन बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको शाइनिंग दिखाना चाहती हूँ, बाकी सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, कोई भी एसेंस डाल सकते हो, आने वाली क्लासेस में हम एसेंस, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, और कलर्स के बारे में भी सीखेंगे कि कौन से कंपनीज के, कौन से ब्रांड्स के हमें यूज़ करने चाहिए, कौन से कलर्स और जो एसेंस है वो हमारी चॉकलेट्स के लिए अच्छे होते हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे, बट आज एक बेसिक नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ।
सो हमने चॉकलेट को मोल्ड में डाला है, अब स्पैचुला से हम सारी तरफ इसको स्प्रेड कर देंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप हमारा ये है कि आपको मोल्ड को टैप ज़रूर करना है, बहुत अच्छे से टैपिंग करनी है। जितनी अच्छे से आप करोगे उतनी ही अच्छे से आपकी चॉकलेट प्रॉपर बनेगी, ठीक है। टैप अगर नहीं करोगे आप टैपिंग, तो क्या होगा कि इसमें बबल्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी चॉकलेट्स में होल हो जाएंगे, तो आपका डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा। तो टैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने चॉकलेट मोल्ड में डाल दी है, तो इंस्टेंटली आपको इसे फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना, ठीक है, फटाफट से फ्रिज में रखो। अब दूसरे मोल्ड पे हम काम करेंगे, मैंने फ्रिज में रख दिया है, यहाँ पर हम दूसरा मोल्ड लेने वाले हैं, आप कोई भी डिज़ाइन का दूसरा मोल्ड ले सकते हो, ठीक है। अब इस पे भी हम चॉकलेट डाल देंगे, इस पे हम यूज़ करने वाले हैं स्प्रिंकल्स, जो कि मैंने आपको दिखाए थे। आप ये भी प्लेन भी बना सकते हो या कोई और भी बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि और जो वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी बेल को ऑन करने से ही मिलेगी, ताकि आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर सको और जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती रहती हैं गाइस, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ठीक है। तो आप हर सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लीजिए, सारे सोशल मीडिया पर हमारा एक ही नाम है, डिज़ायर डिलाइट चोको, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ताकि आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में ये सारी चीज़ें सीख सको। और अगर आप पेड क्लासेस भी लेना चाहते हो, अपना चॉकलेट मेकिंग प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमसे वो भी ले सकते हो। हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9485536352 पर, ओके। और आपको एक फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी फिलअप कर दोगे तो हम खुद आपको पर्सनली कॉल करते हैं और आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करते हैं, ओके। तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हो, अदरवाइज आप फ्री क्लास इंजॉय कर सकते हो और यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल्स डाले हैं, ठीक है, जो हार्ट शेप में थे मेरे पास। आप कोई भी डिज़ाइन का, कोई भी शेप का ले सकते हो। और कुछ मैं ये सिल्वर बॉल्स डाल रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर है इनका, ठीक है। आप सिल्वर भी ले सकते हो, वाइट भी ले सकते हो, गोल्डन, जो भी आपका मन करे। इसको स्किप करना है, इसको स्किप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। बाकी मैं तो आपको इन दिनों में बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। सो यहाँ पर ये भी सेट, ये भी रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से सेट हुई है और कैसा इनका शाइनिंग आई है। सो हमारी चॉकलेट्स अच्छे से सेट हो गई है। अब आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ, तो देखिए कितनी प्यारी शाइनिंग इसके ऊपर आई है। ओ सॉरी, ये मैंने थोड़ा ज़ोर से टैप किया तो ये ब्रेक हो गई है। नो इशू, आप इसको वैसे मेल्टेड चॉकलेट से हम चिपका भी सकते हैं, बाद में पेस्ट कर सकते हैं एज इट इज़, ओके। बट इसकी शाइनिंग देखो गाइज, कितनी परफेक्ट शाइनिंग आई है। आपकी भी ऐसी शाइनिंग ही आनी चाहिए, ओके। और ये हमारा कपल चॉकलेट वाला मोल्ड है। अभी आप देख रहे हो कि ऐसा पैच इसके ऊपर आया हुआ है, ये अभी प्रॉपर सेट नहीं हुई, तो थोड़ा सा मैं इसको फ्रिज में वापस से रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए। अब हमारी चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई है, अब मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। वाओ, ये देखिए हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट आया है, कहीं से कोई होल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी चॉकलेट बनी है। आपको भी ऐसे ही बनानी है। ये मैंने मोल्ड को थोड़ा सा वॉश किया था, वेट था थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये पैच हो गया है। बट आप उसी टाइम वॉश मत करिए, ठीक है। बाकी बिल्कुल सब परफेक्ट चीज़ें हमारी बनी हैं, तो आप भी इसको बनाइए और अपना फीडबैक DDC के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।